सूते कपड़ा बन के एक खड़िया दो लड़कियां दरअसल चोरनिया ने जो इस ज्वेलर शोरूम दे बाहर खड़िया ने गड्डी च सवार होके आंदियां ने ते शोरूम दे बाहर गमले चुक के फरार हो जांदियां ने। हैरानी तो हो रही होगी पर सच है, एक ज्वेलर शोरूम दे बाहर रातों रात गमले गायब हो गए। खुलासा उदो हुआ जदों शोरूम दे मालक ने दुकान च आके सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्होंने भी होश उड़ गए। इन्हां सीसीटीवी तस्वीरां दे विच नजर आया कि रात समय जो ये शोरूम बंद कर दिता गया तो इत्थे एक गड्डी आती है जो पहला तो दुकान के सामने लंघ जाती है तो फिर अगे जाके रुक जाती है। इस गड्डी दे विचों दो लड़कियां निकलदियां ने जिन्होंने मुंह के कपड़े बन्ने हुए ने, देखने च ठीक ठाक घर दियां लगदियां ने। गड्डी च सवार होके आईयां ने पर हैरानी उदों हुंदी है जदों शोरूम के बाहर खड़िया इधर उधर झाकदियां ने कि कोई इन्हां नूं देख नहीं रहा, फिर एक एक गमला चुक के वापस गड्डी च बैठ के फरार हो जांदियां ने। वीडियो देख के इस शोरूम के मालक के भी होश उड़ गए। ये वीडियो करनाल दी दसी जा रही है, करनाल दे ही एक मेन रोड के उत्ते ये ज्वेलरी शोरूम है जिसके बाहरों रातों रात गमले चोरी हुए। खुलासा होया सीसीटीवी तस्वीर तो जिस विच ये दो चोरनियां जो कि लखां दी गड्डी च सवार होके आईयां ते गमले चुक के लै गईयां। हालांकि कारण अजे तक सामने नहीं आए ने पर इत्थे पुलिस नु शिकायत दी गई है ते पुलिस दा कहना है कि जल्द ही इन्हां चोरियां नु फड़ लिया जाएगा। और हंस ज्वेलर कुंजपुरा रोड से क्या हुआ सर? सर रात को हम 9 बजे के करीब तो यहाँ शॉप से गए हैं और अराउंड 11 बजे के करीब हमने जो सुबह आके देखा भी दो गमले गायब थे। हमने देखा भी वो शायद वैसे कोई ले गया होगा, फिर आगे सीसीटीवी कैमरे चलाए हमने और कैमरों में देखा कि गाड़ी पहले रुक रही है और गाड़ी रुकने के बाद फिर गाड़ी आगे चली गई। उसमें दो महिलाएं आई हैं, उन्होंने देखा भी है, देख भी रहे हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी मुंह ढक के आई हैं और गमले उठा के ले गए हैं। पहले इस गली में मेरे 25 गमले लगे हुए थे, एक एक गमला करके उठा के ले गए। थोड़ा समय पहले मेरे दोस्त बाहर सीढ़ियाँ पड़ी थी, हमने शीशे साफ करने के लिए रखी, वो भी उठा के ले गए। तो हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ उठाई जा रही है। मेरे दोस्त स्कूटर बाहर पड़े होते हैं, कल को देखो कोई और बड़ी वारदात हो जाए। करके लगती हैं महिलाएँ, बहुत अच्छे घर से लग रही हैं सर। देखो जो गाड़ी में आ रही है शक्ल पहनावा भी उनका अच्छा लग रहा है। तो ये देखो ना, अभी 2-4, 500, 700 रुपए की कोई अगर चीज नहीं छोड़ रहा तो कल को वो अपने बच्चों का ही अपना क्या भविष्य बनाएंगे। बच्चों को भी तालीम यही, शिक्षा यही देंगे कि हाँ जी बड़े हो जाओ और आप चोरी करो। पुलिस में शिकायत देंगे? बिल्कुल पुलिस में शिकायत देंगे सर, इसकी हम जरूर देंगे। मेरा नाम विजय कपूर, हंस ज्वेलर कुंजपुरा रोड करना। मुंह ते कपड़ा बन के एक खड़िया दो लड़कियां दरअसल चोरनिया ने जो इस ज्वेलर शोरूम दे बाहर खड़िया ने गड्डी च सवार होके आंदियां ने ते शोरूम दे बाहरों गमले चुक के फरार हो जांदियां ने। हैरानी तो हो रही होगी पर सच है, एक ज्वेलर शोरूम दे बाहरों रातों रात गमले गायब हो गए। खुलासा उदों हुआ जदों शोरूम दे मालक ने दुकान च आके सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्होंने भी होश उड़ गए। इन्हां सीसीटीवी तस्वीरां दे विच नजर आया कि रात समय जदों ये शोरूम बंद कर दिता गया तो इत्थे एक गड्डी आती है जो पहला तो दुकान के सामने लंघ जाती है तो फिर अगे जाके रुक जाती है। इस गड्डी दे विचों दो लड़कियां निकलदियां ने जिन्होंने मुंह के कपड़े बन्ने हुए ने, देखने च ठीक ठाक घर दियां लगदियां ने। गड्डी च सवार होके आईयां ने पर हैरानी उदों हुंदी है जदों शोरूम के बाहर खड़िया इधर उधर झाकदियां ने कि कोई इन्हां नूं देख नहीं रहा, ते फिर एक एक गमला चुक के वापस गड्डी च बैठ के फरार हो जांदियां ने। वीडियो देख के इस शोरूम के मालक के भी होश उड़ गए। ये वीडियो करनाल दी दसी जा रही है, करनाल दे ही एक मेन रोड के उत्ते ये ज्वेलरी शोरूम है जिसके बाहरों रातों रात गमले चोरी हुए। खुलासा होया सीसीटीवी तस्वीर तो जिस विच ये दो चोरनिया जो कि लखां दी गड्डी च सवार होके आईयां ते गमले चुक के लै गईयां। हालांकि कारण अजे तक सामने नहीं आए ने पर इत्थे पुलिस नु शिकायत दी गई है ते पुलिस दा कहना है कि जल्द ही इन्हां चोरनिया नु फड़ लिया जाएगा। और हंस ज्वेलर कुंजपुरा रोड से क्या हुआ सर? सर रात को हम 9 बजे के करीब तो यहाँ शॉप से गए हैं और अराउंड 11 बजे के करीब हमने जो सुबह आके देखा भी दो गमले गायब थे। हमने देखा भी वो शायद वैसे कोई ले गया होगा, फिर आगे सीसीटीवी कैमरे चलाए हमने और कैमरों में देखा कि गाड़ी पहले रुक रही है और गाड़ी रुकने के बाद फिर गाड़ी आगे चली गई। उसमें दो महिलाएँ आई हैं, उन्होंने देखा भी है, देख भी रहे हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी मुँह ढक के आई हैं और गमले उठा के ले गए हैं। पहले इस गली में मेरे 25 गमले लगे हुए थे, एक एक गमला करके उठा के ले गए। थोड़ा समय पहले मेरे दोस्त बाहर सीढ़ियाँ पड़ी थी, हमने शीशे साफ करने के लिए रखी, वो भी उठा के ले गए। तो हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ उठाई जा रही है। मेरे दोस्त स्कूटर बाहर पड़े होते हैं, कल को देखो कोई और बड़ी वारदात हो जाए। अच्छे घर की लगती हैं महिलाएं, बहुत अच्छे घर से लग रही हैं सर। देखो जो गाड़ी में आ रही हैं शक्ल पहनावा भी उनका अच्छा लग रहा है।
तो ये देखो ना, अभी 2-4, 500, 700 रुपए की कोई अगर चीज नहीं छोड़ रहा तो कल को वो अपने बच्चों का ही अपना क्या भविष्य बनाएंगे। बच्चों को भी तालीम यही, शिक्षा यही देंगे कि हाँ जी बड़े हो जाओ और आप चोरी करो। पुलिस में शिकायत देंगे? बिल्कुल पुलिस में शिकायत देंगे सर, इसकी हम जरूर देंगे। मेरा नाम विजय कपूर, हंस ज्वेलर, कुंजपुरा रोड, करना।